मध्य प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रकोष्ठ डॉक्टर अमित तिवारी की ओर से अपना पंचे सर्वजनिन का नववर्ष के हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। मध्य प्रदेश के सड़कन में फर्राटा भरे वाले बसन का लेके बड़ी खबर सामने आई है। और अगर अपना बस से सफ़र करे थे तो अपनों खातिर ये काम की खबर हो सकती थी। बता दें कि मध्य प्रदेश में बस के परमिट का लेके बड़ा फैसला किया गया है। 15 साल से पुराने बस जोन है, अगर उस सड़कन में फर्राटा भरत तेज रफ्तार से दिखे ही तो अब खैर नहीं आए काहे से कि 15 साल से पुरान बसन के परमिट रद्द की जाई हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सर्वजनिन का प्रणाम कही थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दी कि परिवहन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश मोटरयान नियम में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की गया है। साल बदल रहा है और एक तहत जो है मोटरयान अधिनियम में यह बदलाव की गया है, जहाँ 10 साल पुरानी बसन का दू राज्यन के बीच न चले दीन जाई ते के साथ 15 साल से पुरानी बसन का दू जिला के बीच में चलावे के परमिट न दी जाए। बता दें कि 15 साल पुरानी बस के फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ शहर के भीतर चलावे की अनुमति हुई। बस के आयु की गणना वाहन के निर्माण के तिथि से की गई और इसे जो है अच्छी बात यह है कि प्रदूषण हलाय कम हुई तो है बस जो है ज़्यादा पुरान हो जाए के कारण कुछ हादसा हो था ओहू के जो है हादसों में कमी आई थी। या नए साल में नया जो है परिवर्तन की गई, पुरान बसन के परमिट जो है रद्द की जाए, खासतौर में 15 साल से जो बस पुरान है उनका अब सड़क में दौड़ावे की इजाजत ना मिली। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। तो और आ गए चलते यार, वैसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।